नमस्कार, टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग मिश्रा। आतंकवाद को शह देना पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारी पड़ गया है। सूत्रों के अनुसार पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने का फैसला हुआ है। आपको बता दें कि ग्रे लिस्ट में शामिल देशों पर टेरर फंडिंग के लिए कड़ी निगरानी रखी जाती है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का भारत, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने समर्थन किया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन ने भी ऐन वक्त पर उसका साथ छोड़ दिया और प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां वापस ले ली। FATF का यह कदम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर होगा, जिसकी हालत पहले से काफी खस्ता है। डोकलाम गतिरोध के मद्देनजर चीन ने भारतीय सीमा के पास तैनात अपनी सैन्य टुकड़ी की ताकत और बढ़ा दी है। चीन ने भारतीय सीमा पर तैनात पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टुकड़ी को शक्तिशाली अमेरिकी स्टाइल में आधुनिक साजो सामान से लैस कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सीमा के पास तैनात चीनी सैनिकों को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। इसे इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल सोल्जर कॉम्बैट सिस्टम कहा जा रहा है। गौरतलब है कि चीनी मिलिट्री में इन्फर्मटाइज्ड वॉरफेयर शब्द का इस्तेमाल हाल के वर्षों में बढ़ा है। इसका मतलब जंग के हालात में IT, डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के इस्तेमाल से है। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से कथित मारपीट के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस शुक्रवार को मौका वारदात यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। सीएम आवास को करीब 2 घंटे तक खंगालने के बाद दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उसने 21 CCTV कैमरे सीज किए हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज से छेड़छाड़ किए जाने का इशारा भी किया है। पुलिस के मुताबिक सीएम आवास में मौजूद कैमरों की टाइमिंग 40 मिनट 42 सेकंड पीछे चल रही थी। पुलिस ने बताया है कि केजरीवाल के घर पर कुल 21 CCTV कैमरे लगे थे और उन सब के फुटेज सीज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक हॉल में 21 में से 14 ही कैमरे चल रहे थे। बाकी कैमरे क्यों और कब से नहीं चल रहे थे, इसकी भी जांच की जा रही है। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने विवादित बयान दे दिया है। उनके बयान से चीफ सेक्रेटरी से कथित मारपीट के मामले ने और तूल पकड़ लिया है। दरअसल दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक रैली को संबोधित करते हुए बालियान ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ किए गए सलूक को सही ठहराते हुए अधिकारियों को ठोकने की बात कही। नरेश बालियान ने कहा, जो चीफ सेक्रेटरी के साथ हुआ, जो उन्होंने झूठा आरोप लगाया, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे अधिकारियों को ठोकना चाहिए। जो आम आदमी के काम रोक कर बैठे हैं, ऐसे अधिकारियों के साथ यही सलूक होना चाहिए। चलते चलते हैरान कर देने वाली खबर, इसे अंधविश्वास कहिए या फिर मौत का डर। राजस्थान में विधायकों को इस बात का शक है कि विधानसभा में आत्माओं का वास है। विधायकों का मानना है कि सदन में 200 सदस्यों की संख्या ज्यादा वक्त तक नहीं टिकती है। या तो किसी का इस्तीफा हो जाता है, नहीं तो कोई जेल चला जाता है, या फिर किसी की मौत हो जाती है। इसके पीछे उन्होंने प्रेत आत्माओं को जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, कुछ विधायकों ने इस संदर्भ में अपने डर के बारे में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी बातचीत की है। उन्होंने पुजारी बुलाकर प्रेत आत्माओं को शांत कराने की मांग की है। गुरुवार को विधानसभा परिसर में प्रवेश द्वार पर एक पुजारी को कुछ पूजा पाठ करते हुए भी देखा गया। तो ये थी अब तक की टॉप न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।